पंजाब में सियासी पारा हाई, इंतखाबी मुहिम खत्म होने में सिर्फ 4 घंटे रह गए। इमरान खान के एक दिन में 4 जलसे। फैसलाबाद जलसे में खिताब करते हुए कहा कि तमाम हलकों में पीटीआई जीतेगी, इन्हें खबर मिल गई है कि कौम हमारे साथ खड़ी है, ये धांधली के बगैर नहीं जीत सकते, एक एक पोलिंग स्टेशन पर पहरा देना होगा। साफ और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, पीटीआई ज़मीनी इलेक्शन भारी अक्सरियत से जीतेगी, उम्मीद है तमाम इदारे न्यूट्रल रहेंगे। यास्मीन राशिद कहती है नून लीग वाले धांधली के मास्टर हैं, इलेक्शन कमीशन ने 40 लाख अफराद का इंतकाल करवा दिया, हमने बताया ये लोग जिंदा हैं। डोलती डगमगाती पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार, हमजा शहबाज कुर्सी बचाने के लिए ओशियत कंडों पर उतर आए, प्री पोल रिगिंग शुरू कर दी, तहरीक इंसाफ के दफातर और कारकुनान के घरों पर छापे, गैर कानूनी तामीरात के नोटिसेस भेजकर हिरासा करने का सिलसिला जारी, सरकारी मुलाजमीन को ट्रांसफर, पोस्टिंग और क्वार्टर्स खाली करने की धमकियां। नैब कानून में हालिया तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त, सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाज उल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल बेंच 19 जुलाई को समाअत करेगा। हुकूमत ने तैयबा गुल के मामले पर इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला कर लिया, वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी, मरियम औरंगजेब कहती है तैयबा गुल को ब्लैकमेल करने के लिए वजीर आजम हाउस इस्तेमाल होता रहा, 18 दिन अगवा करके रखा गया, चेयरमैन नैब को वजीर आजम हाउस से ब्लैकमेल किया गया, तमाम सबूत ले लिए, बुजरा ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी करार दिया। शेख रशीद को हिरासा ना किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म, एंटी करप्शन में तलबी के खिलाफ दरखास्त पर तफ्तीशी ऑफिसर को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया, शेख रशीद ने कहा कि 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में पेश होना है, अदालत ने सजा पर तारीख 27 जुलाई कर दी। सिंध अमन की सरजमीन है, कुछ ताकतों ने हैदराबाद झगड़े को लसानी शक्ल देने की कोशिश की, सूबाई वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, नासिर शाह ने कहा किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं, सूबे में लसानी फसादात की गुंजाइश नहीं, शर्जील मेमन बोले सोहराब गोट हंगामे में गिरफ्तार अफराद की तादाद 48 हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग केस मफरूर सुलेमान शहबाज इश्तिहारी करार, स्पेशल सेंट्रल अदालत ने ताहिर नकवी भी इश्तिहारी करार दे दिए, जायदादों की तफसीलात तलब, शहबाज शरीफ को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़, मैं हूँ सहरिश जुहेब, हेडलाइंस आपने जानी, अभी आप देखिए प्रोग्राम तज्जिया और किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए boldnews.com, देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।